तो चलिए अब हम क्वेश्चन के टाइप सिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप सिक्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है तो इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है जिसके पैर ऊपर तथा सिर नीचे है, यदि उसका मुख पश्चिम की तरफ है तो बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए व्यक्ति योगा अगर कर रहा है तो व्यक्ति उल्टी पोजिशन में, ठीक है, तो उल्टा अगर व्यक्ति है तो जो भी हमें सिर की डायरेक्शन दे रखी होगी हम क्या कर देंगे, उसका हम अपोजिट ले लेंगे। तो जैसे यहां पर उसका मुख कहां है, पश्चिम की तरफ है, यानी व्यक्ति पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो पश्चिम की तरफ देख रहा है, हम क्या करेंगे, पश्चिम का उल्टा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर पश्चिम अगर मैं देख रहा है तो पश्चिम की तरफ अगर देख रहा है तो हम पश्चिम की बजाय हम क्या लेंगे, हम पूर्व दिशा ले लेंगे। ठीक है, पूर्व दिशा निर्देश ले लेंगे, और ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, अब व्यक्ति पूर्व की तरफ देख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इसका दिशा निर्देश है हमने उल्टा ले लिया है, पश्चिम को हमने पूर्व कर दिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति पूर्व की तरफ देख रहा है। तो देखिए पूर्व की तरफ देख रहा है तो अब व्यक्ति का फेस यहां हो या व्यक्ति बैठ करके यहां देख रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम चाहे यहां बना दें, चाहे इस लाइन में बना दें, चाहे यहां पर बना दें, उससे कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, व्यक्ति को हम यहां बना देते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यह पूर्व दिशा में देख रहा है। तो देखिए पूर्व की तरफ देख रहा है तो व्यक्ति का जो दाहिना हाथ हो जाएगा, दाहिना हाथ कहां होगा, दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। और बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड होगा उत्तर की तरफ। और क्वेश्चन में हमसे बायां हाथ पूछा गया है तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ उत्तर की तरफ होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं बायां हाथ उत्तर नॉर्थ दिशा में होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सिर की दिशा हमें दक्षिण बता रहा है, तो दक्षिण बता रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सिर की दिशा उत्तर ले लेंगे। ठीक है, तो चाहे व्यक्ति हमारा यहां पे बैठ करके भी उत्तर की दिशा को देख सकता है, मुख उसका उत्तर की दिशा में हो सकता है, या व्यक्ति हमारा यहां पर बैठा हो तब भी वो उत्तर की दिशा में फेस करके बैठ सकता है, हम चाहे यहां बैठा दें चाहे यहां बैठा दें, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो अब देखिए दक्षिण की तरफ देख रहा है तो हमसे दाहिना हाथ पूछ रहा है, तो दाहिना हाथ तो यहां होगा भाई, यहां हो जाएगा राइट हैंड। तो देखिए ये दिशा किस तरफ पड़ती है, ये दिशा पूर्व की तरफ पड़ रही है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः व्यक्ति का दाहिना हाथ पूर्व दिशा की तरफ होगा, बस ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, योगा करते समय व्यक्ति उल्टा है और उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। तो देखिए जिस दिशा में हमें मुख दे रखा है उसका दक्षिण पूर्व दिशा में मुख दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, हम इसका विपरीत ले लेंगे। तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं, ये आपका क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ।
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम और ये आपका उत्तर पश्चिम। तो हमें कहां दे रखा है, हमें उसका मुख दे रखा है दक्षिण पूर्व में, तो इस दिशा में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको यहां ले लेंगे उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अब व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, तो हम व्यक्ति को चाहे हम यहां बैठा दें चाहे हम यहां बैठा देते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम यहीं पर बैठा देते हैं व्यक्ति को। ठीक है, तो हमसे बायां हाथ पूछ रहा है, तो बाएं हाथ, तो बाईं तरफ कौन सी दिशा होगी, बाईं तरफ ये दिशा होगी आपकी कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपकी साउथ वेस्ट दिशा होगी। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं अतः व्यक्ति का बायां हाथ दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन का टाइप 7 पढ़ेंगे, परछाई यानी कि छाया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो छाया आपकी बन सकती है वो आपकी या तो पश्चिम में बन सकती है या पूर्व में बन सकती है। तो जो छाया जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से छाया बनती है। अगर सूरज पूर्व में उगता है तो जो छाया बनती है वो पश्चिम की तरफ बनती है, और अगर सूरज पश्चिम की तरफ अस्त अगर होता है तो उसकी जो छाया बनती है वो पूर्व की तरफ बनती है। तो देखिए इसमें दो ही आपके केस हो सकते हैं आपका, एक आपका केस ये होगा आपका मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में केस लेंगे तो मॉर्निंग में आपका जो सूर्य होगा वो पूर्व की तरफ होगा, तो आपकी जो छाया बनेगी वो कहां बनेगी, छाया बनेगी पश्चिम, छाया आपकी पश्चिम की तरफ बनेगी, शैडो वेस्ट। और यही अगर हम इवनिंग टाइम का केस लेंगे, इवनिंग टाइम का अगर केस लेंगे तो जो आपकी जो छाया बनेगी वो आपकी कहां बनेगी, वो आपकी पूर्व दिशा की तरफ बनेगी, या आप यूं कह सकते हैं शैडो जो आपकी बनेगी वो कहां बनेगी, शैडो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शैडो बनेगी। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दोनों केसेस को हम फिगर के थ्रू स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केस 1 मॉर्निंग टाइम का केस, और उसके अंदर जो पहला केस है, केस के अंदर जो पहला केस है वो क्या है, पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। तो देखिए हमारी जो मॉर्निंग टाइम अगर है तो जो छाया की जो स्थिति वो क्या होगी, वो छाया पश्चिम की तरफ होगी, तो छाया मैं पहले बना दे रहा हूं, ये हमारी बन गई है छाया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा व्यक्ति है वो कहां देख रहा है, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, तो उत्तर दिशा की तरफ देखने के लिए हम व्यक्ति को चाहे तो हम इस इधर पे भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, या हम साउथ में बैठा करके भी, हम चाहे कि अगर वो उत्तर की तरफ देखे तो साउथ में बैठ करके भी उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ हो सकता है। तो मैं व्यक्ति को यहां पर बना रहा हूं, आप अपने परसेप्शन से आप चाहे जहां बनाना चाहे वहां बना सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति है हमारा उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति का जो बायां हाथ होगा वो कहां होगा, लेफ्ट हैंड आपका इधर होगा, और जो राइट हैंड है वो कहां होगा, इधर होगा। अब इससे आप देख सकते हैं
तो जो लेफ्ट हैंड की जो पोजीशन है, लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ, बायां हाथ किधर होगा? पश्चिम दिशा, अथवा छाया की तरफ। ठीक है। और राइट हैंड की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो जो दाहिना हाथ होगा वो कहां होगा? वो होगा पूर्व दिशा की तरफ होगा। तरफ। अब हम इसी के अंदर एक केस हम पढ़ेंगे, पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, यानी पर्सन जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ देखेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अब केस वन के ही अंदर हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। तो दक्षिण दिशा में फेस होने के लिए व्यक्ति यहां पर भी बैठ के दक्षिण दिशा को ऑब्जर्व कर सकता है, या दक्षिण पर बैठकर भी व्यक्ति दक्षिण दिशा को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, बट मैं यहां पर लेना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं यहां पर व्यक्ति को मैंने बैठा दिया, ये व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है, ये जो एरो का जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है। तो अब व्यक्ति अगर बैठा है और वो दक्षिण दिशा को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, साउथ डायरेक्शन को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका जो दाहिना हाथ होगा वो यहां होगा, और उसका जो बायां हाथ होगा वो क्या होगा? वो यहां होगा। तो आप देखिए, जो जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में है? वो पूर्व दिशा की तरफ है। तरफ इन ईस्ट डायरेक्शन। और अगर बात करेंगे राइट हैंड की, तो राइट हैंड की बात अगर करेंगे तो राइट हैंड हमारा कहां होगा? ये होगा पश्चिम दिशा, अथवा छाया की तरफ। अब हम इसे हम बोल सकते हैं इन वेस्ट डायरेक्शन, और इन द डायरेक्शन ऑफ शैडो। ठीक है। तो या तो वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है या शेडो की डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब देखिए, अब ये तो हमारा हो गया केस वन, अब हम पढ़ेंगे इवनिंग टाइम वाला केस होंगे, तो उसके अंदर भी इसी तरीके के दो सब केस होंगे। तो प्लीज मेक श्योर, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टू के अंदर पहला पार्ट, व्हेन पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, जब व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। तो अब देखिए, इवनिंग टाइम है, तो इवनिंग टाइम है तो जो परछाई बनेगी वो कहां बनेगी? वो पूर्व की तरफ बनेगी। ठीक है। तो अब व्यक्ति क्या कर रहा है? उत्तर की तरफ देख रहा है। तो व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है तो हम इसे यहां पर भी बना सकते हैं और यहां पर भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसका जो राइट हैंड होगा वो कहां होगा? वो छाया की तरफ यानी पूर्व में होगा, और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहां होगा? पश्चिम की तरफ होगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहां होगा? वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। ठीक है। और जो राइट हैंड है वो पूर्व दिशा अथवा
छाया की तरफ। होगा ठीक है। तो चलिए केस टू को देखते हैं। तो केस टू में क्या हो रहा है, छाया तो हमारी पश्चिम की ही तरफ बनेगी केस टू में, जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है। तो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है तो व्यक्ति हमारा कहां बैठा हो सकता है, व्यक्ति हमारा यहां बैठा हो सकता है। अब देखिए ये क्या होगा, ये उसका होगा ठीक, ये उसका राइट होगा और ये व्यक्ति का लेफ्ट होगा ठीक है। ठीक है, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो किस दिशा की तरफ होगा, वो पूर्व की तरफ, पूर्व अथवा छाया की तरफ होगा। और जो उसका दाहिना हाथ होगा वो कहां होगा, वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए, एक सुबह रीता और कविता आमने सामने होकर आपस में बातें कर रही थी। इस समय यदि कविता की छाया रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा, कविता का मुख किस दिशा में है ये हमको बताना है यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दाहिना और ये आपका बायां। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बायां और ये आपका हो जाएगा दाहिना। और देखिए इसमें सुबह का वक्त है तो जो छाया बनेगी वो किस दिशा में बनेगी, छाया पश्चिम दिशा की तरफ बनेगी ठीक है। ये हमने बना दिए छाया। अब ये क्या बोल रहा है कि कविता की छाया रीता के ठीक बाईं ओर, तो कविता की छाया रीता के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बायां कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, तो यानी कि रीता यहां पर बैठेगी ठीक है। तो रीता अगर यहां बैठेगी तो रीता का मुख उत्तर की तरफ होगा, लेकिन हमसे रीता का मुख किस दिशा में ये हमसे नहीं पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर रीता का मुख अगर उत्तर की तरफ है तो जो कविता का मुख होगा वो कहां होगा, दक्षिण की तरफ होगा, ये कविता बैठी होगी। और इसमें पूछ रहा है कि कविता का मुख किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा की तरफ कविता का मुख होगा ठीक है। हमारा एक सुबह दो मित्र सुमित और दीपक आपस में बातें कर रहे थे, उस समय दीपक की छाया दीपक के एकदम दाएं, तो सुमित किस दिशा में देख रहा है। तो पहले तो हम अपना दिशा चक्र बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ। अब ये बोल रहा है कि दीपक की छाया दीपक के एकदम दाएं, तो पहले तो छाया जो हमारी बनेगी वो किस तरफ बनेगी, पश्चिम की तरफ बनेगी क्योंकि सुबह का वक्त है ठीक है। अब क्या होगा, अब छाया दाईं तरफ होने के लिए, छाया दाईं तरफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीपक को दक्षिण की तरफ देखना होगा ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दीपक का जो राइट हैंड है वो यहां होगा और बायां हाथ यहां होगा ठीक है। तो जाहिर सी बात है दीपक अगर यहां देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो सुमित कहां देखेगा, सुमित उत्तर की तरफ देखेगा। तो सुमित का मुख उत्तर की तरफ है, किस दिशा में है, उत्तर की तरफ है सुमित का मुख। सुमित किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है। तो देखिए ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले तो हम अपना दिशा चक्र बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया। गोपाल खंबे की तरफ देख रहा था जिसकी छाया उसके दाहिने तरफ थी ठीक है। तो दाहिने तरफ थी और देखिए शाम का समय है तो छाया किधर बनेगी, छाया आपकी बनेगी, छाया आपकी बनेगी पूर्व दिशा में ठीक है, छाया पूर्व दिशा में बनेगी। तो अब देखिए दायां तरफ होने के लिए,
अगर दाई तरफ देखना है, ठीक, अगर दाई दाया हाथ रखना है तो दाया हाथ रखने के लिए जो गोपाल है, गोपाल का राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, तो फेस गोपाल का किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की तरफ होगा। या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये गोपाल है, ठीक है, और ये इसकी दो आंखें हैं, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, जो छाया है वो गोपाल के दाईं तरफ है, राइट में क्या है, राइट में छाया है, ठीक है, तो और सामने की तरफ देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर कौन सी दिशा होगी, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होगी, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका उत्तर आएगा।